नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, आज का ये आर्टिकल आपका बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से लिया गया है और बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में कई ऐसे पॉइंट हैं जो आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं और आप इंटरव्यू में भी और आप मेंस में भी आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। कई ऐसे तत्व भी इसमें मिलेंगे जो आपके लिए, वैसे भी आपके आपकी जानकारी के लिए भी जरूरी रहेंगे। मुझे लगा ये आर्टिकल आपका स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विस के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। कूटनीति के स्तर पर जागने का वक्त, इसके जो संपादक हैं उनका नाम है शेखर गुप्ता। आइए सबसे पहले उन सकारात्मक बातों की गिनती कर लें जो मोदी सरकार के कार्यालय में सामरिक और विदेश नीति के क्षेत्र में घटी है। अमेरिका के साथ रिश्ता इस सूची में शीर्ष है। चीन की बढ़ती दुष्टता के बीच अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसने खुलकर भारत के पक्ष में बात की है। इतनी ही नहीं, इस बार उसकी बातचीत में लेन देन की भावना भी नजर नहीं आई है। देश के रणनीतिक इतिहास में ऐसा कम ही हुआ है। कम से कम 3 दशक पहले शीत युद्ध समाप्त होने के बाद से ऐसा नहीं हुआ था। एक बार आप लोग मैप्स देख लीजिए। देखिए, ये हमारी स्थिति है, हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखेंगे चीन है, ठीक है। ये यहाँ हम लोग देखिए तो आप बात करेंगे तो लद्दाख में भी हमसे विवाद चल रहा है। उसके बाद आप नेपाल भी देखेंगे, नेपाल के पास आपका सिक्किम है, सिक्किम में भी आपका देखते हैं चलता रहता है विवाद। भूटान के पास भी डोकलाम को लेकर विवाद चलता रहता है और अरुणाचल प्रदेश को तो पूरा अपना ही बताता रहता है चीन, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की अगर स्थिति की बात करें हम लोग, तो अमेरिका का कहने का मतलब होता है कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपका उत्तरी अमेरिका में ये है। यहाँ एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि अमेरिका है डायरेक्ट, हम लोगों से कोई इस बार मांग नहीं कर रहा है, लेकिन याद रखिए आप भी जानते हैं इनडायरेक्ट वो अपना ही मतलब साधने की कोशिश कर रहा है। एक समय हुआ करता था, आप लोग भी देखते थे कि पाकिस्तान से अमेरिका की खासी दोस्ती हुआ करती थी। जो रूस हुआ करता था उससे हमारी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी भारत की, ये देख रहे हैं आप लोग रूस। और एक समय था कि चीन के साथ भी अमेरिका की काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। और अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका भारत की तरफ झुक रहा है और जो रूस है वो पाकिस्तान की तरफ और चीन की तरफ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। तो एक बात याद रखिए, कभी भी उस मतलबी दोस्त, देखते हैं ना आप लोग मतलबी दोस्त होते हैं कि अगर आपसे मतलब निकल रहा है तो आपसे दोस्ती तुरंत हो जाएगी और अगर आप किसी काम के नहीं है तो आपसे दोस्ती हाल टूट जाएगी। तो यही हाल रहता है देशों का। कोई भी देश आप सोचें कि दान या फिर उसका यह दोस्ती इसलिए कर रहा है क्योंकि वो दोस्ती निभाना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने अपने मतलब रहते हैं। अब आप जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर, हांगकांग और ताइवान के मामले में भारत सहयोग करे अमेरिका का, इसलिए अमेरिका हमारे पक्ष में बोल रहा है। अगर अमेरिका के लिए हम लोग कोई हमारी जरूरत ना होती अमेरिका के लिए तो अमेरिका हमारा साथ ना देता। ये आपने 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब भी आपने देखा है कि रूस ने हमारी मदद की थी पर अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की थी। और कई बार आपने ऐसे मौके भी देखे अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की। लेकिन अभी यह है कि चीन को अगर प्रतिस्थापित करना है, चीन को आगे बढ़ने से यानी कि महाशक्ति बनने की कतार में खड़ा हो चुका है चीन। आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जीडीपी के मामले में भी अमेरिका से आगे निकल जाएगा चीन कुछ दिनों में। तो अगर इसे रोकना है तो भारत की जरूरत पड़ेगी इस क्षेत्र में, क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा देश है और शक्तिशाली है कि जो चीन को टक्कर दे सकता है, इसलिए अमेरिका हमारी तरफ झुक रहा है। बात केवल इतनी ही नहीं है, दोनों देश चीन को नापसंद भी करते हैं। उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक से शुरुआत करें तो पुलवामा, बालाकोट, अनुच्छेद 370 में बदलाव, अब लद्दाख तक अमेरिका ने हमें बिना शर्त समर्थन दिया है। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोगियों की बात करें तो हिंद प्रशांत में हम जापान, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ हैं। चीन की चुनौती उन्हें हमारे साथ जोड़ती है। एक कहा नहीं जाता है कि दोस्त 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 का दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। वही हाल है कि मतलब चीन से अमेरिका की देख लीजिए, जापान की देख लीजिए, फिर ऑस्ट्रेलिया की देख लीजिए, आपसी लड़ाई भी है इनकी। और जब आप जानते हैं कि आपसी इनकी लड़ाई है तो चीन का जो भी दुश्मन होगा उसके साथ तुरंत हाथ मिला लेंगे। तो
वही हाल है कि हमारे साथ ये सभी लोग मिल चुके हैं। अगर जापान की और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए आपको जापान यहाँ देखने को मिलेगा, जापान सागर, ये आपका यहाँ प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया आपका ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ये सिडनी, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ठीक है। इसी तरह अरब देशों की देश निष्पक्ष रहे हैं, जबकि अतीत में वे पाकिस्तान की ओर झुक जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने न्यूट्रल रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई, सऊदी अरब और यूएई, यूएई इसका उदाहरण है। इस बीच इजराइल और उत्पादक हुआ, तुर्की और कतर में जरूर समस्या है लेकिन वह हमेशा से थी। दोनों देश मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ और भारत के खिलाफ हैं। कौन कौन? तुर्की और कतर। हाँ, कतर तुर्की की तुलना में थोड़ा नफरत नफासत से पेश आता है। ईरान के साथ रिश्ते सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? बीते कुछ दिनों की सुर्खियां बताती हैं कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे लोगों ने चाबहार बंदरगाह का विकास किया है और अमेरिका ने क्या किया है कि इस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं कड़े। तो हम उसे तेल रोकने के लिए, तेल कच्चा तेल हम लोग खरीदते थे तो उस पर भी रोक लगाने की बात की गई थी, और आप जो चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे थे उस पर आपने ढील दी है, और आप जानते हैं ढील देंगे तो वो, और चीन आपका पड़ोसी बैठा हुआ है, उसे जहां भी मौका मिलता है वहीं पैर फंसा देता है। तो आपने देखा है किस तरह से आपने, जैसे ही धीमा हुआ आपका काम, उसने तुरंत ईरान में अपना पैर पसारने लगा है। परंतु चीन और रूस की तरह भारत इतना मजबूत नहीं था कि अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम उठा पाता, ना भारत के पास विकल्प था। ईरान के पास, ईरान को लेकर समझदारी बरतना बेहतर है। बीते कई वर्षों में जहां अरब के देश कश्मीर और सांप्रदायिकता समेत भारत के आंतरिक मामलों से दूर रहे, वही ईरान ने हस्तक्षेप किया। आप कह सकते हैं कि अब तक जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन यहीं पर बुरी खबरों की शुरुआत होती है, जो सही नहीं हुआ उसका संबंध भी उन बातों से ही है जो सही हुई। मसलन अमेरिका के साथ रिश्ता, कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति और CANRC विवाद को लेकर कांग्रेस में चर्चा के दौरान भले ही अमेरिकी प्रशासन ने भारत का बचाव किया, लेकिन कुल मिलाकर मामला छोटी मोटी सौदेबाजी जैसा ही रहा है, बड़ा आकार नहीं ले सका है। कारण यह है कि मोदी सरकार ऐतिहासिक पूर्वाह गिरोह के कारण हिचकती रही है। भारत के साथ सामरिक स्वायत्तता का मसला भी है। लेन देन के स्तर पर मोदी की ट्रंप के साथ एक मामूली कारोबारी समझौते तक पर हस्ताक्षर करने की अनिच्छा इसी बात की ओर इशारा करती है। मोदी ह्यूस्टन गए, हाउडी मोदी आपने सुना होगा, यही हुआ था। उन्होंने खुशी खुशी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाकर ट्रंप के पुनः निर्वाचन का समर्थन भी किया है। परंतु कारोबारी सौदे के मामले में जरा भी आगे नहीं बढ़े, जबकि इस विषम में तमाम प्रतिबद्धता, वादे और झूठी आशाएं बधाई गई। कोरोना वायरस की शुरुआती दौर में ट्रंप भारत आए, मकसद यकीनन चुनावी था, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ के जो प्रवासी हैं वो अमेरिका में खास से रहते हैं, इसलिए चुनाव के अपने मतलब के हिसाब से यहाँ आए हुए थे। मोदी सरकार की भ्रामक विचारधारा और वैश्विक व्यापार को लेकर उसके बुनियादी डर से देश के रणनीतिक हित को प्रभावित किया है। आपसी रिश्तों में इस कमी से सैन्य संबंध भी अछूते नहीं रहे। 6 वर्ष में भारत ने अमेरिका से छिटपुट खरीदारी की, कोई बड़ी खरीद, साथ मिलकर कोई नया उत्पाद विकसित करना या फिर उत्पादन शुरू नहीं हुआ है इन दोनों देशों के बीच में। यह बात अलग है कि जब चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की तो हम C-17, C-130, अपाचे, चिनूक, M-777 तोप के भरोसे रहे। ये सारी चीजें अमेरिका से खुदरा खरीदी में ली गई थी। यदि मोदी सरकार थोड़ा आगे का सोचती तो इस दिशा में बड़ा सौदा हो सकता था। हमने अब तक रूस की का जिक्र नहीं किया है। दरअसल जब चीन ने लद्दाख में हरकत की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले रूस पहुंचे। Sukhoi-30 और MiG-29 के रूप में 2 शुरुआती आपातकालीन ऑर्डर भी रूस को दे दिए गए। ध्यान रहे कि यह खरीद भी छिटपुट ही थी, यानी सीते युद्ध समाप्त होने के 31 साल बाद 25 वर्ष की
तेज आर्थिक वृद्धि और मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल के बाद भी रूस पर हमारी सैन्य निर्भरता समाप्त नहीं हुई। यहाँ याद रखिए एक बात आप लोग, अगर हमें आत्मनिर्भर होना है तो हमें खुद अपने यहाँ इस तरह के जो भी तोपे हैं, इस तरह के जो भी आपके MiG-20 हो, फिर चाहे आपका 29 हो, Sukhoi-30 हो, इस तरह के जो भी आपके लड़ाकू विमान हो, फिर चाहे तोप हो, मिसाइलें हो, आपको खुद बनानी होगी। चीन का सबसे बड़ा दावा यही है कि हम लोग दूसरे देशों पर खरीद रहे हैं, दूसरे देशों से। चीन ने अपने घर में बनाए हुए हैं, और आप याद रख सकते हैं कि दूसरे देशों से खरीदने की जो खरीद रहे हैं उस पर कम ही भरोसा किया जा सकता है, और बाकी चीन अपने घर में बना रहा है तो उस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। और आज से ही नहीं देख रहे हैं आप, आत्मनिर्भर की बात की जा रही है, अच्छा है आत्मनिर्भर होना, लेकिन आप देख तो लें कि आत्मनिर्भर कैसे होंगे। आपके देश को 70 साल हो रहे हैं आजादी को, और चीन हमारे बाद 2 साल बाद, यानी कि हम 47 में आजाद हुए, 1947 में, चीन आपका 1949 में आजाद हुआ। उसके बाद आज आप देखिए चीन काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है, और हम अभी देखिए तो आप सोचते हैं मोबाइल के क्षेत्र में ले लीजिए, टेक्नोलॉजी में, फिर चाहे हम लोग दवा कंपनियां जो भी हमारे यहाँ काम करती हैं, या फिर कोई भी आप क्षेत्र देख लीजिए, चीन से हम लोग बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। कच्चा जो हम लोग दवाइयां बनाते हैं उनका कहा जा रहा है कि कच्चा माल चीन से हम लोग 60 से 70% मंगाते हैं। कहा जा रहा है कि मोबाइल जो हमारे यहाँ यूजर हैं उनमें से पांच पांच अगर फोन है आपके यहाँ तो उनमें से 4 आपकी चाइनीज कंपनियों के हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये 70 से 75% तक हिस्सा चाइनीज कंपनी हमारे यहाँ दबदबा ठोके हुए हैं। तो ये आत्मनिर्भर क्या हो सकता है, आप ही खुद सोचिए। तो इस पर जोर देना होगा। और कहा जा रहा था कि बायकॉट चाइना चल रहा था, मैंने तब भी कहा था कि देखिए हाँ हो सकता है, उस समय हमारे सैनिक शहीद हुए थे तो एक भावनात्मक रूप से हमें भी गुस्सा थी, आपको भी गुस्सा थी, पूरे देश में गुस्सा थी। लेकिन देखिए एक दिन आप जुनून कर लेते हैं, वही है कि एक कहावत है बुंदेलखंड में कि दिवारी के दूध पिए पड़ा, यानी कि जो भैंस का बच्चा होता है वो चेतत नहीं, मतलब यानी कि कहने का मतलब है कि एक दिन अगर उसे आप लोग दूध पिला देंगे तो वो मोटा नहीं हो जाएगा। तो यही हाल हमारे यहाँ के लोगों का है कि हम लोग एक दिन जुनून दिखाते हैं, इतना तगड़ा जुनून। आप भी देखते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो लोग बड़े जुनून के साथ उतरते हैं। मैंने देखा है कि 800-800 लड़के, 900-900 लड़के एक बैच में बैठ रहे होते हैं। उसके बाद आप जब प्रीलिम्स में आप फाउंडेशन करेंगे कोर्स, उसके बाद आप दूसरे मेंस में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि 10 से 20 बच्चे उनमें से तैयारी कर रहे होंगे। उनमें से आप देखेंगे तो 2 से 4 आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं। मतलब ये स्थिति है कि आप जब शुरू करेंगे कोई काम तो इतना जुनून से के साथ करेंगे कि हो सकता है कि कल ही हम पास हो जाएं। और ये जैसे जैसे समय कटता जाता है जुनून ठंडा होता जाता है। कोई एक आध अटेम्प्ट देता है, कोई उससे पहले ही छोड़ देता है, उससे कोई 2 अटेम्प्ट देता है, कोई 3 अटेम्प्ट में लटक जाता है। देखिए अगर मतलब जो भी हो आप लास्ट तक डटे रहिए, मिला तो अच्छा, ना मिला तो आपके दिमाग में एक काश तो नहीं रहेगा कि काश मेल कर लिए होते। तो ये हाल है आपके। और उस आपने चाइना में देखा है बायकॉट चाइना के बाद, बराबर आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, कहाँ कुछ रुका हुआ है। उसके बाद आपने फोन मोबाइल देखी, आप चाइनीज कंपनियों के फोन जो हैं वो धड़ाधड़ से बिक रहे हैं, रोक थोड़ी लगी हुई है। तो कोई भी काम हुआ हुआ आपने देखा है, फिर चाहे आपके देश में कोई भी घटना घटे तो जनता में रोष एक समय सीमित के लिए रहता है, समय तक, उसके बाद खत्म हो जाता है। उसी का परिणाम आप समझ सकते हैं कि हम लोग भुगत रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भुगत रहे हैं। आज भी गरीबी का वही माहौल है जो 70 साल पहले भी था। तब से आप सोचिए 70 साल से यही नारा दिया जा रहा है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्या हटी है? नहीं ना। तो कहीं तो हमारे पॉलिटिशियन जो भी आते हैं, अभी हाल की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी आए हुए हैं, कुछ तो कमी रही हुई है। और जब तक जनता जागरूक ना हो, सरकार कितनी भी नीतियां लाती रहे, कितनी भी योजनाएं लाती रहे, कुछ भी करते रहे, कभी सक्सेस नहीं हो सकता। कभी हमारे यहाँ जो जनसंख्या है, लोग हैं, हमारे यहाँ की स्थिति उनकी नहीं सुधर सकती है। तो जनता का जागरूक होना इसके लिए सबसे बड़ा मायने रखता है। और भगवान करे जनता कब जागरूक होगी, उसके बारे में अलग बात है। यह नाकामी है, नाकामी है खासतौर पर ऐसे समय जबकि रूस चीन का वफादार साथी बनकर उभरा है।
भारत की निर्भरता और संवेदनशीलता तथा विकल्पों और संसाधनों की कमी को देखते हुए वह जानता है कि वह हमें परेशान करता रह सकता है। उसने चीन को चीन को S-400 मिसाइल सिस्टम दिया और बाद में उसे भारत को भेज दिया। वह तुर्की को भी यह दे सकता है। वह अपने और चीन के अलावा किसी का सामरिक भागीदार नहीं है। मजबूत विदेश नीति ने रूस पर हमारी निर्भरता कम की हुई की होती है। आप सोचिए कि इसमें सीधा सा कहा जा रहा है कि जो हथियार आपको दिया गया है वही हथियार दूसरे देश को दे दिया गया है। अब किसमें बराबरी का ही तो आपके पास योगदान है, समझ रहे हैं? तो यही होता है देशों का कि आप अगर अपने घर में बना रहे हैं जो भी स्वदेशी, तो आप अपनी शक्ति के अनुसार बनाएंगे, मतलब इतना ताकतवर बना सकते हैं। लेकिन हम बाहरी देशों से खरीदते हैं तो जो हम खरीद रहे हैं वो पाकिस्तान भी खरीद सकता है, समझ रहे हैं? ऐसा लगता है कि मोदी को चीन के साथ रिश्तों से कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं थी। लगातार शिखर बैठकों और सी जिनपिंग चिनपिंग की सराहना से तो ऐसा ही लगता है। यह सोचना भूल थी कि चीन के मजबूत नेता को अपना व्यक्तित्व मित्र बनाया जा सकता है, और भारत अब उस भूल की कीमत चुका रहा है। ये उस समय की बात की जा रही है जब आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात आने का, जब सी जिनपिंग ने वादा किया उस समय कि उनका जन्म यहाँ हुआ, फिर मित्रता, ऐसी दुनिया भर की कथा कही जा रही थी। आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब द्वारा कई तरह की बातें की जा रही थी कि मैं वहां गया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, कितनी मतलब बड़ी बड़ी बातें थी। छोड़िए उन्हें, अब अभी की बात कर रहा हूँ। कूटनीति में व्यक्तित्व का ज्यादा इस्तेमाल दो ऐसे राष्ट्रों के बीच कारगर हो सकता है जो समान हो, तब भी जब असमान देशों में आप मजबूत हो। दो बड़े लेकिन असमान पड़ोसियों में कूटनीति तब अपने पक्ष में नहीं होती जब आप कमजोर हो। इसे आप लोग अपनी जिंदगी में भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप खुद जानते हैं कि अगर आप दमदार हैं, घर से परिवार से आपके पास दक्षता है, आप मतलब मजबूत है पैसे से, आर्थिक स्थिति से, हर तरह से, तो आपसे 1,000 दोस्त हाथ मिला लेंगे। ये आपने देखा होगा अपने जीवन में। और अगर आप गरीब हैं, आपका मतलब आप किसी के काम लायक नहीं है, तो आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, फोन भी नहीं आएगा आपके पास, समझ रहे हैं इस समय? तो आप अगर मजबूत हैं तो हर कोई आपका साथ देने के लिए खड़ा रहेगा, फिर चाहे आप भगाना भी चाहे तो भी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यही हाल है कि अगर भारत मजबूत हो तो हर साथी उसके साथ जुड़ने की अपेक्षा रखेगा। सी जिनपिंग के इरादे, ताकत तथा चीन की काम करने की शैली को समझने में भी चूक हुई है। जिनपिंग तंग सियाओ फिंग के बाद सबसे मजबूत चीनी नेता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्हें नीतिगत मुद्दों पर मोदी की तुलना में कम अधिकार हासिल है। भारत उस उनसे अपरिपक्व तरीके से निपटा है। डोकलाम में चीन द्वारा हमें पहुंचाई गई क्षति के बाद समीकरण बदल गए। अब यह स्पष्ट है कि वुहान में मोदी की बात को उसने इस अनुरोध के रूप में लिया कि चीन और गड़बड़ ना करे, उनकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप दूसरे पक्ष की इज्जत करते हैं तो आपको पता होगा कि चीन के लोग भी सोचते हैं, वे भी हमारे इरादों का आकलन करते होंगे जैसे हम उनके करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। असल बात यह है कि आखिर में आपको क्या मिलता है। एक शब्द में इसका उत्तर गलवान है। व्यापार को लेकर वैचारिक आशंकाओं और जरूरत से अधिक व्यक्ति आधारित कूटनीति के बाद बड़ी नकारात्मक बात थी मोदी और भाजपा की चुनावी राजनीति पर का विदेश नीति में उलझ जाना। यदि आप हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को चुनाव जीतने का हथियार बनाएंगे तो मुस्लिम अलग थलग तो पड़ेंगे। तो याद रखिए, अगर मुस्लिम, आपने अभी भी देखा है कोरोना महामारी के टाइम भी, कि अगर मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जाता है तो बाकी जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो उठ खड़े होते हैं। आपने अभी किसी दिन पहले देखा है कि कश्मीर का मामला फिर से अभी जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके बीच में उठने लगा है। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि अगर आप चुनाव जीतना ही आपका मुद्दा है और चुनाव जीत कर ही सब कुछ हो जाता है, तो आप बांग्लादेश से आपकी बुराई, लगभग कोई अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं। नीचे आप श्रीलंका से देखिए, कोई आपके खास रिश्ते सही नहीं है। यहाँ की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका ये है, इससे भी हमारा विवाद ही चढ़ा हुआ है लगभग। और बाकी आप नेपाल की देख रहे हैं कि नेपाल से जितने बुरे से बुरे
नीचे स्तर तक हमारे रिश्ते गिर सकते थे, खराब चल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से नेपाल भी हावी होता जा रहा है। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान हमेशा से हमारी कभी अच्छे रिश्ते ही नहीं रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान से, और चीन अपने पैर पसार ही रहा है। तो हमारी मतलब आप समझिए कि वही हाल है कि चलिए अमेरिका से अच्छे रिश्ते ना रहें तो एक समय के लिए हमारा चल सकता है, लेकिन अगर आपके पड़ोसियों से आपके रिश्ते खराब रहते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि पड़ोसियों को हमारे बारे में सब कुछ पता रहता है। और आप सोच सकते हैं कि पड़ोसी से अगर हमारे रिश्ते खराब हैं तो ये हमें काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा सकता है। तो सबसे पहले हमें पड़ोसियों से अपने रिश्ते सुधार कर रखना चाहिए। भले ही ऐसा करने से पाकिस्तान के साथ हमारे विकल्प बंद होते हैं, परंतु इसका असर विश्वसनीय पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ रिश्तों पर भी पड़ता है। मोदी ने शुरुआत अच्छी की थी, बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता राष्ट्रीय हित में था। हालांकि उनकी पार्टी ने संबरंग को यही समझौता नहीं करने दिया था, परंतु पहले असम और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जीतने की हड़बड़ी में यह शुरुआती खबर खराब हो गई। आप एक और बांग्लादेशियों को घुसपैठियों और दीमक कहकर उन्हें वापस भेजने की बात करते हैं, दूसरी ओर शेख हसीना से इसका उलट कहते हैं। यह समझना चाहिए कि ईरान, नेपाल और श्रीलंका के साथ ताल्लुकात सुधारने के बाद अब चीन ढाका का रुख करेगा। भारत मोदी भाजपा की चुनावी राजनीति की कीमत इस तरह चुका रहा है, इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर आपको लगता है कि इस सरकार में या अन्य सरकार में मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आर्टिकल जो कह रहा है उसी को बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप इसे पर्सनल जोड़कर ना देखें। आपको लगता है बीजेपी के आने से अगर देशों से संबंध सुधरे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी चल रही है, क्योंकि नेपाल से हमारे रिश्ते इतने कभी नहीं गिरे हैं जितने अभी गिरे हुए हैं। जब मोदी सरकार यानी कि मोदी प्रशासन NDA शुरू में आया उस समय कई देशों से हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं शुरुआत के समय में, लेकिन आप जब से मुस्लिमों को अलग अलग करने लगे, हिंदुओं पर चुनावी राजनीति करने लगे हैं, तब से क्या होगा कि मतलब बटने लगा। और ये याद रखिए, ये राजनीति देश के लिए एकता के लिए भी खतरा रहता है, समझ में आया, क्योंकि आपका पड़ोसी जो केवल एक ही दो देश हैं आपके जो पड़ोसी जिनसे आपके रिश्ते बेहतर हैं, एक बांग्लादेश, तो आप मुस्लिमों पर राजनीति करेंगे बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है तो वो भी बुराई मानने लगेगा। और आप CACA लाके बता रहे हैं ना कि सही बात है लाना चाहिए, लेकिन एक अच्छी तरह से लाना चाहिए था, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो दीमक की तरह हैं, तो इसमें भी बांग्लादेश बुरा मान रहा है। उसके बाद भूटान बचता है एक छोटा सा देश, उसी से आपके रिश्ते ठीक हैं, वो भी अभी सुन रहा था कि वो भी अपना पैर पसारने की बात करने का। और वैसे भी आप देखते हैं कि जब कहते हैं ना कि जब आप इतने कमजोर हो जाते हैं कि आप अपने आप को संभालने की चाहत नहीं रख पाते हैं, तब घर में बच्चे भी आपको आंख दिखाने लगते हैं। तो नेपाल का वही हाल है कि एक बच्चा है आज वो भी आंख दिखाने लगा है। तो आपको सुधारना होगा अपना राजनीति। देखिए, राजनीति एक समय तक चलती है लेकिन देश बहुत लंबे समय तक चलता है, समझ रहे हैं। भारी लोकप्रियता वाली शक्तिशाली नेताओं के पास कई तरह की शक्तियां तो होती हैं, परंतु उनकी कुछ कमजोरियां भी होती हैं। उनमें से एक कमजोरी चापलूसी है। अगर उन्हें यह पसंद आने लगे तो इतिहास में बताता है कि नतीजे त्रासद होते हैं। भारत की रणनीतिक नीति निर्माण प्रक्रिया को गहरे आत्मावलोकन सुधार की आवश्यकता है। यह सुधार केवल प्रक्रिया और तरीकों में नहीं है बल्कि बुनियादी राजनीति में भी लाना होगा। ध्रुवीकृत राजनीति एक दल के लिए अच्छी हो सकती है, परंतु बटे हुए नागरिक देश के लिए खतरनाक है। एक बात और हमेशा याद रखिए, अभी आप नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी आपने देखा होगा कि आपके यहाँ के अर्थशास्त्री हुए हैं, बहुत महान महान अर्थशास्त्री आपके देश ने दिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने वाले भी कई महान आपके पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिक भी मिले हैं और नेता भी इस तरह के रहे हुए हैं। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के टाइम में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, उसके बाद हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जो अर्थशास्त्री जो भी सलाह दे रहे हैं उन्हें नहीं मान रहा है। यानी कि जो नेता आप सोचिए कि 10वीं 12वीं पास हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उपाय बता रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का।
समझ रहे हैं। और जनता भी उससे ज्यादा दुर्भाग्य में जी रही है कि मतलब जनता को कोई मतलब नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था होती क्या है, कहाँ गिर के कहाँ पहुंच चुकी है, क्या हाल है अर्थव्यवस्था का, इससे कोई मतलब नहीं है। उसे चीन से युद्ध कब हो रहा है, चीन से बाइकॉट कब करना है, कोई अपनी LCD जला रहा है, कोई अपना फोन फोड़ रहा है। आप सोचिए कि फोन आपने फोड़ दिया तो क्या सरकार लेकर दिया गई, और तुम्हारे फोन फोड़ने से क्या रुका है कुछ। तो एक सोचने वाली बात है कि ठीक है आपके पास LCD है, फोन है, जो भी लैपटॉप है, इसे मत फोड़िए आगे से। आप बाइकॉट मतलब ये है कि आप आगे से मत करिए ये चाइना चाइना का सामान। इतना कर सकते हैं, अगर आपके पास जो सामान है आप उसे फोड़ना चाहते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई है उसे भी हटवा देना चाहिए, क्योंकि वो भी चाइनीज के कई उसमें प्रोडक्ट ऐसे लगाए गए हैं जो आर्किटेक्चर थे वो भी चाइना से आए हुए थे, तो उसका भी बाइकॉट कर देना चाहिए। तो याद रखिए भावनाएं अलग होती है और भावनाएं देश को आगे कभी नहीं ले जा पाई। भावनाएं देखिए, भारत कोई मामूली चीज नहीं है, हजारों साल से भारत टिका हुआ है अपनी स्थिति पर और टिका रहेगा। भारत को मिटा पाना ना तो किसी के बस की है और ना ही कभी मिटेगा, एक बात हमेशा याद रखिए। इसलिए भारत की कम सोचिए, भारत के बारे में अपनी अर्थव्यवस्था, अपने परिवार, अपने बच्चों के पढ़ा लेने पढ़ाने लिखाने की ज्यादा सोचिए, ठीक है।